दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अदानी की तरफ से बिजली बिल का ब्याज पे ब्याज लगाया जा रहा है, लगता है इस आदमी को कितने पैसे की प्यास है, ये क्या चाहता है, पूरा हिंदुस्तान खरीद लेना चाहता है, गरीबों से ब्याज पे ब्याज लेता जा रहा है, इस वजह से लोगों की बिजली बिल भरना बहुत मुश्किल हो गया है। अदानी की बिजली बिल वसूल करने के लिए बहुत क्रिमिनल लोगों को, माफियाओं को उन लोगों ने रखा हुआ है और हायर करके उनको बगैर किसी ड्रेस के डंडा लेकर लोगों के घरों में भेज के धमकाते हैं और ये हफ्ता भी वसूलते हैं और बिजली की चोरी भी करवाते हैं और परेशान करते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मनमानी करके सबके घरों में घुसते हैं, लाइट चोरी करते हैं और अगर कोई रोकता उनको तो उसके ऊपर अडानी के जो वर्कर्स हैं वो झूठा इल्जाम लगाते हैं। अडानी एक महीने से दौड़ रहा हूँ, अभी बोले अप्लाई करो, वहाँ डेस बोर्ड बनाओ अपना, आप लोग एग्जिस्ट करो, तो मेरे साथ 25 आदमी तो लोग नहीं देते पैसा, मैं अकेला, मेरा मीटर नहीं है सर, उसपे आके आपने फाइन मार दिया, 1000 रुपया लिया सर हम लोग से भी सर, वहाँ रहो ना, उस बॉक्स में लगाने नहीं दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए? नहीं नहीं लगाने की बात ही नहीं, कोई ऐसा मना नहीं, बॉक्स में लगा भी फोटू है, नहीं सही तरीके से आपके तक नहीं पहुँच रहे, आप जो बोले सही तरीके से हमारे तक नहीं पहुँच रहे, और जैसा उन्होंने बोले दो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, हम लोग आपस में बैठ के साथ में बैठ के सब मुद्दे सुलझा सकते हैं, जिसको विधायक मिलने का अर्जी करना है उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हम लोग वहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने का है वो अर्जी करेंगे, तुरंत हम लोग वहाँ पे मीटर पास कर देंगे। बिजली की चोरी पकड़ी जाती है वहाँ पुलिस को बुलाकर पंचनामा हो कि ये बिजली आपको सप्लाई किसने किया उसको पकड़िए और उससे पूरा पैसा वसूलिए, क्यों कि आपका जो पैसा था उसने ले लिया, पैसा दिया उसको, और सुनिए कल से 2 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक वकील खान गैसुद्दीन एक टीम बनाकर यहाँ बैठेंगे, नहीं जिसकी जिसकी जो मुश्किलें इंडिविजुअल है वो लाए, जितनी मदद हो सकती है की जाएगी, यहाँ बैठेंगे ये लोग और एक एक आदमी की बात सुनेंगे, साहब के पास आपको ले जाएंगे, आपकी रिक्वेस्ट करेंगे, उसमें जितनी मदद होती करेंगे, उसमें नहीं होगा तो फिर बाद में हम लोग सरकार से बात करेंगे, तो ये नहीं सुनेंगे ना तो फिर इतनी बिजली की कंपनी बंद कराने के लिए सरकार के पास जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में टाटा और अदानी बिजली दोनों की बिजली का कनेक्शन है, तो अदानी की तरफ से बिजली बिल का ब्याज पे ब्याज लगाया जा रहा है, लगता है इस आदमी को कितने पैसे की प्यास है, ये क्या चाहता है, पूरा हिंदुस्तान खरीद लेना चाहता है, गरीबों से ब्याज पे ब्याज लेता जा रहा है, इस वजह से लोगों की बिजली बिल भरना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी मांग है कि बिजली बिल पर लगाया हुआ ब्याज तुरंत हटाया जाए, क्योंकि कोविड में लोग बहुत परेशान रहे हैं और सिर्फ वास्तविक बिल दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में अदानी की बिजली बिल वसूल करने के लिए बहुत क्रिमिनल लोगों को, माफियाओं को उन लोगों ने रखा हुआ है और हायर करके उनको बगैर किसी ड्रेस के डंडा लेकर लोगों के घरों में भेज के धमकाते हैं और ये हफ्ता भी वसूलते हैं और बिजली की चोरी भी करवाते हैं और परेशान करते हैं। मेरी मांग है कि जिनको भी वो लोग भेजते हैं वो ड्रेस में आए, अपना नाम लगा कर आए और उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि इनका कैरेक्टर कैसा, ऐसे लोग आना चाहिए उधर। अध्यक्ष महोदय, हमने निवेदन किया था कि लॉकडाउन के वक्त जो बिजली बिल है वो कम किया जाए, क्योंकि उस वक्त सभी कारोबार रोजगार बंद थे और लोगों के पास पैसे नहीं थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी मांग है कि कम से कम लॉकडाउन के समय का नागरिकों का बिजली बिल कम से कम 50% कम किया जाए, लोग बहुत परेशान है, दूसरे स्टेट में बिजली की बिल कम हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं राजनीति में बोलना चाहता हूँ, मैं अपने आदरणीय भुजबल साहब का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूँ, आदरणीय भुजबल साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ऑनलाइन राशनिंग व्यवस्था प्रणाली शुरू की गई है, महोदय ऑनलाइन के लिए ऑफिस की मशीन हमेशा खराब रहती है तथा ऑनलाइन रजिस्टर करने के बावजूद चार महीने में राशन कार्ड आता है, राशनिंग कार्ड के लिए
लगने वाला समय बहुत कम से कम किया जाए, एक समय निर्धारित किया जाए, उस समय में राशन कार्ड मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों के राशन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों का को राशन नहीं मिल रहा है, उस पर भी कुछ कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, राशन लेने तो वही लोग आते हैं जो बहुत गरीब लोग हैं, अगर उनके साथ कुछ रहम नहीं किया गया तो मैं समझूंगा कि सरकार रहमदिल नहीं है, और आप तो रहमदिल आदमी है, आप जल्दी कुछ करेंगे। सर सर, राशन की दुकानों के बड़े पैमाने पर राशन का काला बाजार होता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहां राशन कार्ड से अगर दो लोगों का नाम है तो वहां एक आदमी के लिए राशन देते हैं, और चार लोगों का नाम है तो दो लोगों को राशन देते हैं। ये बहुत ज्यादा शिकायत मिल रही है, काला बाजारी हो रही है, जरा अच्छे ऑफिसर्स को चेक करने भेजा जाए। मेरे मानकू शिवाजी नगर में क्षेत्र बहुत बड़ा है, मैंने पहले भी आपसे कहा था, वहां पर दूसरा भी विधानसभा क्षेत्र आता है, और कुर्ला और चांदिवली में भी एक ही ऑफिस है। अध्यक्ष महोदय, चांदिवली में एक ऑफिस शुरू की जाए, बस थोड़ा सा बाकी है। अध्यक्ष महोदय, जे अस्पताल में बहुत परेशानियों का सामना है। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, दवाएं नहीं मिल रही हैं, 40 दवाएं हैं जिसमें सिर्फ 10 से 12 दवाएं मिलती हैं, बाहर से दवाएं मंगानी पड़ती हैं, लोग कोविड की वजह से परेशान है, लोगों का पैसे नहीं है, मरीजों को कई कई घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और फ्री इलाज करना मुश्किल हो गया है। जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक अस्पताल की दवाएं खरीदने का काम डॉक्टर और मैनेजमेंट के बजाय आउटसोर्स किया जा रहा है। अब जे अस्पताल की दवा खरीदारी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च DMERK के लोग करते हैं, और एक एजेंसी है हॉकिंग, उसको नियुक्त किया गया है, जो गवर्नमेंट अस्पतालों के लिए, जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए, प्राइमरी हेल्थ के लिए ये लोग दवाएं खरीदते हैं। अब मेरा कहना है कि इसको आसान किया जाए, दवाएं मिलना शुरू हो जाए। अध्यक्ष महोदय, फंड की कोई कमी नहीं है, सिर्फ प्रोसेस सही होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे जरूरी काम है, COVID-19 के बाद लोगों का मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, यहाँ सुसाइड की थॉट्स बढ़ती जा रही हैं, मेंटल हेल्थ का सही इलाज नहीं हो रहा। टाटा इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च किया, मानकू शिवाजी नगर मेडिकल हेल्थ का सर्वे हुआ, वहां ज्यादातर माइग्रेंट लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के सेक्टर के लेबरों को स्मॉल स्केल टेंडर, गोंडी शिवाजी नगर में बहुत छोटे छोटे कमरों में रहने वाले उनको पेंडेमिक में उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, उनके सेहत पर बहुत असर पड़ रहा है, और उस एरिया में ऐसे डॉक्टर नहीं है जो उनका इलाज कर सके, वहां उसका बंदोबस्त किया जाए। टाटा अध्यक्ष महोदय, जो हेल्थ मिनिस्टर साहब का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मैं उनसे कहूंगा कि मानकू शिवाजी नगर में जो नया अस्पताल खुला है, आप जल्द से जल्द वहां पर जो सारी सुविधाएं मुहैया करा दें, तो मुझे उम्मीद है कि वहां सबसे जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो लेबर, अध्यक्ष महोदय ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर्स के लिए श्रमिक कार्ड जारी किया है, इनकी मदद की स्कीमें भी है मगर लिमिटेड है। अनऑर्गेनाइज लेबर, जो रजिस्टर्ड लेबर है, उनका सरकार की तरफ से श्रमिक कार्ड दिया जाता है, ऐसे लोगों को साल में 5 या 10 हजार की मदद की जाती है, स्कीम लिमिटेड है, 1% कंस्ट्रक्शन से फंड लिया जाता है, मेरी मालूमात के मुताबिक 70,000 करोड़ आता है साल में, 10 या 5 हजार करोड़ भी मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है। प्लम्बर्स हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, इनकी हालत बहुत खराब है, इस पर जरा कुछ अच्छी तरह से इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वक्त दिया बोलने के लिए, आपने दिया कि दूसरे ने दिया, चलिए आपने दिया, धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।